इंस्ट्रक्शंस जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड एंट्रेंस टेस्ट के कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो रिटर्न दी गई हैं वो डिस्कस करूंगा बड़ी ब्रीफ में, कई रिपीटेड भी होंगी। टाइम डेट आपको पता है, पहली है लेकिन ये 31st है, संडे है। टाइम भी एडमिट कार्ड पर जो लिखा है वही होगा। नेक्स्ट क्या है कि 150 मार्क्स के होंगे और ए से ई, ए बी सी डी ई, तीन पांच सेक्शन होंगे 30-30 के, ये बात क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट एट द सेंटर, एक घंटा पहला आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइए। तो एक टाइम लिमिट होगी, जिसके बाद आप लेट हो जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है टेंशन ले लेनी है। मोस्टली ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जो वहां पर्सन कौन से है। कई बार होता है कि आप लेट हो गए हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, घबराना नहीं है, फिर भी एंट्री करनी है, पेपर करके आना है। ये प्रिकॉशनरी है कि आपने सोचना है कि मैंने यस एक दो घंटे पहले वहां से पहुंच जाना है। तो क्वेश्चन बुकलेट इंग्लिश और पंजाबी में ही होगी और जो लैंग्वेज के होंगे वो उसी में होगी, ये बात ठीक है। एक एक ओएमआर शीट होगी जिस पर आपको रिस्पांस देने हैं। राइटर का स्पेशल अरेंजमेंट जो डिसेबल्ड है वो उनकी यहाँ बात नहीं करूंगा। जो विजुअली हैंडीकैप्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये भी बात है। नेक्स्ट है कि हर क्वेश्चन के ए बी सी डी फोर ऑप्शन होंगे, उनमें से एक बेस्ट आंसर आपने चुनना है, उसको ब्लैक पेन से बबल को ब्लैक कर देना है। जैसे ये है, यहां पर करके बताता हूं, ये वाला फॉर एग्जांपल ये है, मैंने रेड किया, आपने रेड नहीं यूज करना, ये तो मैं किसी और डेमो के लिए रखे थे। फॉर एग्जांपल ये चार है, आपको लगता है कि सी इज बेस्ट आंसर, तो आपने उसको एनसर्कल अच्छे से कर देना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल लगेगी, लेकिन घबराना नहीं है कि ये हो गया, ज्यादा प्रेस भी उसको करना, कर करके उसको फाड़ ही नहीं देना, ऐसे भी नहीं रखना, स्ट्रेस को नॉर्मल रखना है और आराम से करिए। कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टेंशन एग्जाम में होगी होगी, इसको टेस्ट एंजाइटी बोलते हैं। अच्छा, ब्लैक पेन ओनली है, आपको इतना बबल काला कर देना है कि इनसाइड जो है, जैसे अभी मैंने करके बताई है, ये इंस्ट्रक्शन है, अच्छी तरह से काला करना है, कोई व्हाइट ना रह जाए, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं। एग्जाम कंप्लीट होने से पहले ओएमआर शीट आपने रिटर्न करनी है एंड क्वेश्चन बुकलेट टू सेंटर सुपरिटेंडेंट व्हेन द टाइम इज अलाउड टू एंटर। नेक्स्ट है कि ओएमआर शीट होगी, हर हालत में आपको वापस करनी होगी, वापस करोगे तो इवेल्युएशन होगी ना, मार्क्स आएंगे तो एडमिशन होगी। दैट इज व्हाई अगर आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया है, ऐसे नहीं होगा, जीरो कोई नहीं होता, क्वेश्चन करके ही आने हैं, तो भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ये बात की हुई है उन्होंने। कोई आप ओएमआर शीट या वो जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं उसको डैमेज नहीं करना, आपने उसको रिमूव नहीं करना, टॉर नहीं करना, टेकन आउट नहीं करना, लेके नहीं जाना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एक्सपायरी टाइम से जितना आपको टाइम लिमिट दी गई है उससे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। रफ वर्क के लिए जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके साथ में स्पेस दी हुई होगी, एक या दो पेज वहां करना है। ओएमआर शीट के अंदर जब बैग पर आप कोई भी रफ वर्क नहीं करोगे। अच्छा, किसी तरह का टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, पेजर, सेलुलर फोन है ना, वायरलेस सेट, ब्लूटूथ डिवाइस, ये अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। यहाँ दोबारा बताया गया है कि ब्लैक जेल पेन लेना है, आप उधार एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं ले सकते, किसी से नहीं मांग सकते। ये श्योर कर लें कि आप आंसर ओएमआर शीट पर ही लगाएं जो सर्कल करने हैं। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन बुकलेट है उसी पर कई लोग टिक लगाते रहते हैं, ऐसा मत कीजिए। कई बार मेरे पास ऐसी कहानियां है कि गोल्ड मेडलिस्ट ऐसी गलती करके आए। आप किसी तरह का लर्निंग मटेरियल अंदर नहीं ले जा सकते, ये वैसे क्लियर है। जिसे हम कहते पर्चियां ले गया था, वो स्लिप्स ले गया था, कोई बुक का पेज, कोई पेपर, कोई नोट्स आप साथ में अंदर नहीं ले जा सकते। अच्छा, किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क आप नई शीट पर लगा सकते, ओएमआर शीट पर। तो अगर जैसे कई बार आता है रिलीजियस हम सिंबल लगाने लगते हैं, ले इस बार बचा ले, ऐसे करके कुछ भी नहीं करना, कोई सिंबल नहीं लगाना, कोई साइन नहीं लगाना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, आपको
मॉडिफाई किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की जो स्लिप आपके पास है वो हर हालत में अपने साथ ही रखनी है जब तक एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ये एडमिट कार्ड की जरूरत यूनिवर्सिटी डिमांड दोबारा कर सकती है काउंसलिंग के द्वारा। थैंक यू, इन बातों का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना, लंबे लंबे सांस ले सकते हो टेंशन होती है तो, और स्ट्रेटेजी हैं अगर टाइम लगा तो वो मैं वीडियो बना दूंगा। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।